सुंदर सर जी, जब एक भवन बनाया जाता है तो उसकी नींव कोई और खोदता है, ईंटें कोई और बनाता है, ईंटों को जोड़ता कोई और है, और उसका भवन का श्रृंगार कोई और करता है। जब वो भवन तैयार होता है तो उसमें रहने वाले कई आते हैं, किंतु आने वालों को ये पता नहीं होता कि किसने नींव खोदी है, किसने ईंटों को तैयार किया है, किसने ईंटों को जोड़ा है। उसी तरह से जब एक पौधा लगाया जाता है, उस पौधे को जल से सिंचित करने वाला कौन है, कोई और होता है, पौधे को कोई और तैयार करता है, कीटाणुओं से कोई और बचाता है, और पक्षियों से पशुओं से रक्षा कोई और करता है। लेकिन फल खाने वालों को यह पता नहीं होता कि न जाने इसमें कितनों का योगदान है। उस महल में रहने वाले को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस महल में जिन्होंने भूमिका अदा की है, कालचक्र से वो विवृत हो जाते हैं और समाज उनको हंसी पर धकेल देता है। लेकिन उनकी बूढ़ी आंखें ये देख रही होती हैं कि इस वृक्ष को मैंने सींचा है और इस भवन को बनाने में मैंने ईंटें बनाई हैं, ईंटों को जोड़ा है, श्रृंगार किया है। महल में रहना आसान होता है, लेकिन महल को खड़ा करने वाले की गरिमा का आभास होना बहुत आवश्यक है। आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखे कि अतीत में जिन्होंने त्याग किया है उनके त्याग की गौरव गाथा को याद रखे, उनको अपना आदर्श माने। जो युवा पीढ़ी अपने वयोवृद्धों का सम्मान करती है, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करती है, वो निश्चित रूप से सफल होती है। क्योंकि एक सामान्य सा सिद्धांत होता है, वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति वर्तमान को ही अच्छा मानता है। यह सत्य है, कड़वा सत्य, कि वृद्धों को अतीत प्रिय लगता है क्योंकि उनका वर्तमान समाप्त हो चुका होता है। युवाओं को वर्तमान प्रिय लगता है, अतीत के उन्हें दोष दिखाई देने लगते हैं, किंतु युवक को भविष्य के प्रति सावचेत करने वाला वयोवृद्धि है। यदि वयोवृद्ध का निर्देशन समाप्त हो जाए तो युवा वर्ग अपने जोश में भटक सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। चाहे हम सफलता के कितने भी सोपानों को पार कर लें, लेकिन यदि हम वयोवृद्धों का सम्मान करते हैं तो उनका वरद हस्त हमारे हाथों सिर पर रहेगा। एक बार एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने एक नवयुवक को तुम कह करके पूछ लिया कि बेटे तुम कहाँ जा रहे हो। वह नवयुवक बहुत बड़े पद पर अधिकारी था, सब लोग उसकी ऑफिस में जीजी करने वाले थे। उसका चेहरा तमतमा गया। उसने तेईस में आकर कहा कि क्या आपको दिखाई नहीं देता कि आप मुझे तुम कह रहे हैं। वयोवृद्ध मुस्कुराए, कहा कि बेटे तुमको आप करने वाले तो तुम्हारे ऑफिस में बहुत से होंगे, लेकिन जिस अपनापन से मैंने तुम कहा है, इस तुम की कीमत तुम नहीं जानते। समय का चक्र तुम्हें बता देगा कि तुम के शब्द में कितना प्रेम छिपा है। समय के अंतराल में उसको आभास हुआ। कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी इसी का शिकार है। आज हमारे सामने तीन व्यक्तित्व हैं। ये देखिए, जब ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी केवल 5 कमरे बने थे। प्रतिवर्ष विकास होता गया। आज नए बच्चे आ रहे हैं, राज जी चाहेंगे, श्री जी की कृपा से ज्ञानपीठ का भविष्य में कुछ सालों में रूप कुछ और हो जाएगा, नए लोग आएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 2005 से लेकर 2015 के बीच में किसने क्या क्या त्याग किया। शायद आपको पता नहीं है, नए बच्चों को भी पता नहीं है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, अशोक जी हैं और सूर्य प्रताप हैं, विजय जी हैं, आज तो युवा हैं, जब आए थे तो छोटे छोटे बच्चे थे। और ये जो जिस सड़क पर आप, ये सीमेंट की ईंटों पर आप चल रहे हैं, उस सड़क को बनाना था। ज्ञानपीठ के पास ट्रैक्टर नहीं था और झुट्टा बोगी भी नहीं थी। चौहान जी रात को बैल बन करके बुग्गी खींचते थे और सारे बच्चे उस पर मिट्टी लादा करते थे। अब चौहान जी बुजुर्ग हो गए हैं, 65 साल के लगभग हो गए हैं। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी इस इतिहास को न जाने कि जिनको हम सेक्रेटरी के रूप में देखते हैं, उनको
उन्होंने कभी बैल बनकर भी मिट्टी ढोई है। सबके परिश्रम से ज्ञानपीठ खड़ा होता है, इसलिए सबके योगदान को याद रखना चाहिए। हमारे बीच में तीन महान व्यक्तित्व हैं, जुनेजा जी, मानिक भाई और प्रोफेसर एवी रामचंद्रन। प्रोफेसर साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी विद्वता के लिए समाज हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में जिस तरह से किरणतन की टीका की है, दोपहर के सूरज का अनुवाद किया, तमस के पार का अनुवाद किया, हम विश्व के सबसे अच्छे से अच्छे अंग्रेजी जानने वालों के सामने भेंट के रूप में रख सकते हैं। और एक बात मैं कहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट में इतनी खो चुकी है कि यदि कोई बड़ा कंपटीशन न देना हो तो 10 घंटा पढ़ना उसके लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन आज भी 76, 77, 78 साल की उम्र में SP आर्या साहब और प्रोफेसर रामचंद्रन नई पीढ़ी को चिढ़ाते हुए से प्रतीत होते हैं कि हम 78 साल की उम्र में 15 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं और तुम 15, 20, 25 साल के युवा होकर के 10 घंटे भी पढ़ने में कहते हो कि कमर दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है, क्यों? युवाओं को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। आज भी यदि प्रोफेसर साहब पढ़ने बैठ जाएं, कंप्यूटर पर बैठ जाएं, तो युवा वर्ग को पीछे कर देंगे। ये समझने वाली बात है कि आज की नई पीढ़ी 75 साल की अवस्था में जाते जाते क्या होगी समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, एक विनम्रता देखिए, प्रोफेसर साहब के बीच में रहेंगे तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। अगुण काणे गुण ग्रह हारे से हो जीत, इस बात को याद रखिए। आचार्य साहब हमारे बीच में नहीं है, मैं एक बात कहूंगा, एक युग था जब हमारे समाज में कई विद्वानों का बहुत बड़ा वर्ग था। बरोड़ा से भरोसेदास जी थे, जयपुर से कृष्णदेव जी महाराज थे, आगरा से कृष्णदास शास्त्री जी थे, गुजरात से धर्मगुरु पंडित प्यारे लाल थे, सतना से पूर्ण ब्रह्म शास्त्री थे। लेकिन ये सारे विद्वान मिलकर न पुराण संहिता की टीका कर पाए, न महेश्वर तंत्र की टीका कर पाए, न विद्वत दमनी की टीका कर पाए, न निगमार्थ दीपिका की टीका कर पाए। और सारे विद्वानों को पीड़ा रही कि हम सारे मिलकर भी यह कार्य नहीं कर पाए। और आर्या साहब एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी विद्वानों से करवाए और खुद महेश्वर तंत्र में उनका योगदान है। निगमार्थ दीपिका की एक तिहाई टीका आर्या साहब ने की है। और ये सच है कि यदि आर्या साहब नहीं होते तो आपको सत्यांजलि पढ़ने को नहीं मिलती, वो कूड़ेदान में आज पड़ी होती। पुराण संहिता की टीका भी कूड़ेदान में शोभामान हो रही होती। ये आर्या साहब का योगदान है। पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, सत्यांजलि, निगमार्थ दीपिका, विद्वत दमनी के ग्रंथ आपके पास उपलब्ध है। इन ग्रंथों को ले जाकर आप शंकराचार्य को दे सकते हैं, मंडलेश्वर को दे सकते हैं। ये जो उपलब्धि आर्या साहब ने दी है, तन मन धन तीनों से समर्पित रहे। आप उनको गुटखा खाते हुए देखते हैं तो जरूर कहते होंगे कि क्या गुटखा खाते रहते हैं। जीव का स्वभाव होता है, वो कमी है, लेकिन उस व्यक्ति को देखिए, एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए शीर्ष समाज के शीर्ष 5 विद्वान जो नहीं कर पाए उसने अकेला किया। उसके उनके इस योगदान को समाज कभी भी यदि भुलाता है, भुलाया है, मैंने देखा है। मैंने विद्वत दमनी को पन्ना जी के मंच पर सभी विद्वानों को बटवाया, लेकिन किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा कि हाँ हम खुश हैं। मैं सिर पकड़ कर बैठ गया कि विद्वत दमनी, वहाँ जो विद्वान बैठे थे, विद्वत दमनी के आधे पेज तो क्या दो पंक्तियों का भी अर्थ करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। मैंने कई संस्कृत जानने वालों को दिया, लेकिन किसी ने भी एक वाक्य नहीं बोला। और आर्या साहब भी दुखी हैं कि मैंने कितने सैकड़ों विद्वानों को भेंट में भेजा, किसी ने भी, दो ने भी नहीं कहा कि हम शुभकामना प्रकट करते हैं। इसका अर्थ क्या है? यह समाज सोया हुआ है, यह समाज किसी के योगदान को भुला देता है। तो याद रखिए, जो अपने पूर्वजों के योगदान को याद नहीं रखता, उनसे प्रेरणा नहीं लेता, उनके आदर्शों का सम्मान नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में इन प्रोफेसर साहब के बारे में तो मैंने कुछ बताया। जुनेजा जी का व्यक्तित्व ऐसा है
कि किसी अस्वस्थता के कारण से जब वो घर चले जाते हैं तो सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। तो आप सोचिए बच्चों के दिल में उनके लिए कितना प्रेम है। अस्वस्थ अवस्था में भी वो कभी शांति से नहीं रहते, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। उनके शालीन व्यवहार से पूरे एक ज्ञानपीठ के बच्चे उन्हें सिखा कि अनुशासन कहते किसको हैं, शिष्ट व्यवहार किसको कहते हैं। और एक जैसे घर में माधुर्यता होती है, परिवार ज्ञानपीठ परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा व्यक्तित्व ऐसा है मानिक भाई, उनको गृहस्थ संत कहिए या गृहस्थ में रहता हुआ परमहंस कहिए, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका एक एक योगदान ज्ञानपीठ कभी चुका नहीं पाएगा। संसार में एक मानिक भाई हैं जिनसे मैंने खुलकर कहा है कि मानिक भाई जी इतनी पैसे की जरूरत है, मैं और किसी से नहीं कहता, हाँ मानिक भाई से कह देता हूँ, कुछ और सुंदर साथ गुजरात के उनसे कह देता हूँ। लेकिन मानिक भाई को कहीं से उधार लेना पड़ा या कुछ भी लेना पड़ा, उन्होंने किया। ज्योत्सना बहन की भी वैसी सेवा है, देवराम भाई की वैसी सेवा है। मैं अधिकार से कह देता हूँ कितनी भिजवाइए, कहाँ से भिजवाना है ये उनका विषय होता है। लेकिन मानिक भाई ने कभी भी मंच पर आना नहीं चाहा। और सबसे बड़ी बात देखिए, राज्य की प्रेम की अनुभूति की गहराइयों में डूबे हैं। जब कोई ग्रंथ प्रकाशित होता था मैं मानिक भाई से पूछता था कि क्या कर रहे हैं, कहते कि मैं दरवाजा बंद करके पढ़ रहा हूँ, रो रहा हूँ। दरवाजा बंद कर लिया, किसी से मिलना जुलना नहीं, केवल बाथरूम जाना ही उनकी नियत थी, घर से बाहर नहीं निकले, चाहे पुराण संहिता हो चाहे किसी ग्रंथ की टीका हो। राज्य में डूबे हैं, चितवनी में डूबे हैं, ये सब सुंदर साथ के लिए प्रेरणादायी है। आप कहते हैं ना कि गृहस्थी में रहते हुए हमारे पास समय नहीं मिलता, वो शख्स ऐसा है रात के 2 बजे भी ध्यान में बैठा रहता है, चलने में असमर्थ हैं इसलिए आ नहीं पाए। यदि आज होते तो आप ऐसे तो आप उनका दर्शन कर ही सकते हैं। उन्होंने मना किया है कि मेरे बारे में मत बताइएगा, मैं बताना नहीं चाहता कितनी उन्होंने सेवा की। लेकिन पर्दे के पीछे से बड़ोदरा में बालिकाओं के लिए जो गुरुकुल तैयार हो रहा है, जमीन की सारी सेवा उनकी है। उनको सहन ही नहीं हुआ कि स्वामी जी को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े कि गुरुकुल के लिए सेवा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं ये सेवा करता हूँ लेकिन मेरा नाम पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि मैंने किया है, कितनी सेवा की है ये बात मैं नहीं बताऊंगा। तो आप ऐसे महान व्यक्तित्वों का सम्मान कीजिए, उनसे प्रेरणा कीजिए। प्रोफेसर साहब भले ही 76 साल के हैं, एक युवा जैसी फुर्ती है। आज का युवा तो 8 बजे सोकर उठेगा, लेकिन प्रोफेसर साहब को देखिए, काम करेंगे तो 2 बजे रात तक भी काम कर सकते हैं, सवेरे व्यायाम भी करते हैं, एक 18 साल के नवयुवक की तरह स्वस्थ हैं। और मैंने उनको कहा कि आप कुछ बोलेंगे, तो कहा कि नहीं मैं मंच पर कुछ नहीं बोलूँगा। विद्वान होते हुए भी अपनी विनम्रता को शालीनता के आंचल में छिपाए रखना बहुत कठिन होता है, और वास्तव में वही विद्वान होता है जो विनम्रता की मूर्ति होता है। विद्या विनम्रता देती है, विद्या अहंकार नहीं देती। सच्चा ज्ञान जिसके पास होता है वो कभी भी अहंकार नहीं करता। मैं आशा करूँगा कि ज्ञानपीठ परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं और सुंदर साथ उनको फुलारों से सम्मानित करें। सबसे पहले मैं अपने हाथों से उनका सम्मान करूंगा और ज्ञानपीठ परिवार की ओर से प्रशस्ति पत्र भेंट करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए इस घटना को स्मरण रखने के लिए कि ज्ञानपीठ उनका है, पूरा ज्ञानपीठ परिवार उनके प्रति नतमस्तक है, और आने वाली पीढ़ी अपने वयोवृद्धों का सम्मान करना सीखे, उनके शरीर की वृद्धावस्था पर हंसी न उड़ाएं कि हम तो सुंदर हैं, देखिए ये तो बूढ़े हो गए। याद रखिए हमारी संस्कृति है, आप राष्ट्रपति बन जाइए प्रधानमंत्री बन जाइए तो भी आप अपने माता पिता के वयोवृद्ध चरणों में अपना सिर ही रखेंगे। आप देखते हैं ना मोदी जी को, अपनी बूढ़ी माँ के दर्शन करने जाते हैं, जिस प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए लाइन लगाना पड़ता है वो प्राइम मिनिस्टर अपनी बूढ़ी माँ के चरण छूता है और यही मांगता है। यदि आपने वृद्धों का अपमान करना शुरू किया तो समझ लीजिए उस दिन विनाश की उल्टी गिनती भी आपकी शुरू हो जाएगी। इसलिए ज्ञानपीठ परिवार या याद रखें, वयोवृद्धों का सम्मान करना सीखे, वयोवृद्धों का सम्मान करना पड़ेगा, उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। मैं आशा करूँगा कि
सज्जू निजा जी मेरे पास आए, प्रोफेसर साहब आए, मैं अपने हाथों से उनका सम्मान करूंगा और उसके बाद ट्रस्ट के सदस्य उनका सम्मान करेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की। आइए प्रोफेसर साहब, आप इधर आ जाओ, थोड़ा जाएं तो थोड़ा बस ठीक है, तो बस बस हो गया। आइए आइए संत साहब जी, चेयरमैन साहब आइए, सेठी जी आइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की, नाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए आइए, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए, कुछ बोलना चाहोगे? प्रणाम जी सुंदर साहब जी, स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, कुछ ज़्यादा ही स्वागत किया है। मुझे नहीं लगता है मैं इसके लायक हूँ, मैंने जो करना अपनी मर्जी से किया हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपना टाइम में कुछ पढ़ना लिखना, वही किया हूँ मैंने। मैं कुछ ज़्यादा किया ही नहीं हूँ, मगर स्वामी जी को लगता है कुछ ज़्यादा ही किया है, तो उनके तरह से प्रणाम करता हूँ और आपको भी सब प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राण सुंदर साथ जी, मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मुझे दो शब्द कहने हैं, केवल स्वभाव के अनुसार। आप सब जानते हो मेरा स्वभाव कैसा है, लेकिन दो स्वभाव है। बेटियों से पूछोगे तो कुछ अलग कहेगी, लेकिन इस स्वभाव में परिवर्तन तो पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से है। शायद मेरा जीवन भी पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से है। मानिक अंकल के साथ मैं ना आज से 14 साल पहले ज्ञानपीठ आती थी, मुझे पता ही नहीं था वास्तविकता, लेकिन धीरे 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 स्वामी जी से जुड़ती गई, स्वामी जी की बातें दिल में चुभती गई। लेकिन कहते हैं ना जीव का स्वभाव, कहीं ना कहीं राज्जी को ही स्वभाव की जरूरत होगी, तभी तो राज्जी नहीं बदल पा रही या मैं नहीं बदल पा रही, वो तो स्वामी जी जाने। स्वामी जी आशीर्वाद देंगे तो बदल जाएगा। 14 साल से लगातार मानिक अंकल के साथ आना, मुझे मानिक अंकल ने एक ही चीज सिखाई है, बस मैं वही कहना चाहती हूँ। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन मौन धारण करो। कहना है तो सीधा स्वामी जी से कहो और किसी से ना कहो, और यही सीख मानिक अंकल की मैंने अपने जीवन में शायद उतारने का प्रयास किया है। और
बस मानिक अंकल की एहसान मैं कभी नहीं मान सकती, वो सच में मेरे, कहते हैं ना कि हमारे समाज, आज जो स्वामी जी ने किया ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम युवा पीढ़ी अपने बड़े बुजुर्गों को भूलते हैं ना, गुजराती में कहावत रहती है कि जब बाल घने हो और उसमें जो गूंज पड़ती है ना, तो जो छोटी कंघी होती है ना, कंघे में दो होते पार्ट, एक छोटे वाले एक बड़े वाले, तो वो गूंज है ना छोटे कंघे से नहीं निकलती, तो किससे निकलती है? बड़े कंघे से। तो वो बड़ा कंघा कौन है जो हमारे साथ बैठे हैं ना वो? तो सुंदर साथ जी, हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमारे बुजुर्गों से हमेशा सीख लेनी चाहिए, और यही हमारा कर्तव्य है, और यही हमें राह दिखाएंगे। हमें कहें हाँ विचारों में परिवर्तन हो सकता है, हमारे विचार उनके विचारों में, लेकिन अगर शांत मन से सुनेंगे ना तो हम सक्सेस रहेंगे, और उनका आदर करेंगे और उनकी दुआ भी हमें काम लगेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो मानिक अंकल से मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि मौन रहना, केवल स्वामी जी से बात करना, पेट में दर्द हो रहा है तो स्वामी जी को बताओ, स्वामी जी पेट में दर्द हो रहा है गोली दो, सर में दर्द हो रहा है स्वामी जी गोली दो, लेकिन किसी को मत कहो और मौन धारण करो, तभी आप सेवा के पात्र बनोगे, सेवा के पात्र बनोगे। तो शायद यहाँ खड़े रहने की जो शोभा है ना, पहले मानिक अंकल को जाती है, क्योंकि स्वामी जी तक जुड़ने वाला जो जरिया है ना, वो पूज्य मेरे मानिक अंकल है, और जो स्वामी जी ने कहा ना वो सत्य में, मैं बड़ौदा में रहती हूँ, मानिक अंकल बंद करके टीका पढ़ना, ध्यान करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और मुझे बार बार बोलते हैं स्वामी जी के वजूद को न देख, कौन शक्ति बैठी है ना उसे देख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं किस योग्य हूँ कुछ नहीं कह सकता, ये तो राजी की मेहर है। राजी की मेहर मतलब स्वामी जी की मेहर, इनकी मेहर की नज़र पड़ी मैं यहाँ आ गया, और क्या कर सकता हूँ, जो वो कहते हैं उनके सानिध्य में रह के जो प्रेम उन्होंने मुझे दिया, मुझे स्नेह दिया, वो स्नेह को ही मैं आगे बांट रहा हूँ। बच्चे को साथ मेरा बहुत लगाव हो गया, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता, यही रहने का प्रण भी लिया। पीछे कुछ स्वास्थ्य ऐसा ज़्यादा खराब हो गया कि मुझे जाना पड़ा। मैं हॉस्पिटल में था तब भी बच्चे ने स्वामी जी से वीडियो कॉल कराई। स्वामी जी ने कहा जुलेजा जी आप बिल्कुल ठीक होके आ जाओ, आपको अभी ज्ञानपीठ में बहुत रहना है। मैं कहा स्वामी जी आपका आशीर्वाद है तो मैं बच जाऊँगा। आज उनके आशीर्वाद से, मतलब धाम धनी का आशीर्वाद, मैं तो समझता हूँ धाम धनी की नज़र उनके ऊपर और उनकी नज़र सब पे है, और मेरे पे तो विशेष नज़र है। मैं इसको हर पल मानता हूँ कि मेरे पे स्वामी जी की पूरी नज़र है, मेहर है, कृपा है। ये इनकी महानता है, इनकी विशाल हृदयता है, बड़प्पन है कि भले ही कितने और भी सेवा करने वाले हैं, पता नहीं क्यों मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। मैं उनका जीवन भर उनके ऊपर अपना सर्वस्व भी अर्पण कर दूं तो कम है, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। सुंदर साहब जी कभी भी कोई मेरे से गलती हो जाए तो आप अपनी चरण समझ के मुझे क्षमा करना। प्रणाम। प्रेरणाधार सुंदर साथ जी, शायद सब सुंदर साथ को विदित न हो कि मुलुकलाल गिरधर जी का इस वर्ष शीतकाल में धामगमन हो गया था। जब गिरधर साहब मंच से बोलते थे, मंच संचालन करते थे, तो लगता था कि फूल चढ़ रहे हैं। उनके रूप में एक हमने एक ऐसा मंच संचालक खो दिया जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी विशेषता, एक स्पष्टवादी व्यक्तित्व जो हृदय से बच्चे की तरह निर्मल हो, निश्चल हो, और सामने कहने वाला है, चाहे राष्ट्रपति भी हो
यदि उनकी बात से असहमत होते थे तो सीधे सामने कह देते थे कि आपकी ये बात सच है, आपकी ये बात गलत है। कहते शालीन तरीके से थे। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि गिरधर जी जैसे व्यक्तित्व की प्रतीक्षा करने में हमें सालों लग जाएंगे, वैसा मंच मंत्री मिलना बहुत दुर्लभ है। आज के दिन उनकी स्मृति में हम सुंदर साथ ये सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, पंचभौतिक तन से गिरधर जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने यश रूपी शरीर से आज भी हमारे बीच में है। जब तक ये ज्ञानपीठ रहेगा, उनका नाम स्मरण करता रहेगा। एक मधुर स्पष्टवादी निर्भीक वक्ता के रूप में गिरधर जी, और सबसे बड़ी बात कि प्रेम भरे एक सुंदर साथ का जो व्यक्तित्व होता है, जब भी मैंने उनको बुलाना चाहा कि मैं आपके लिए गाड़ी भेज देता हूँ, उन बनावटी नाराजगी दिखाते थे कि आपको गाड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे आ जाऊँगा, और चुपके से टेम्पो पकड़ करके ज्ञानपीठ आ जाते थे। आप सोचिए कि उनका हृदय कितना विशाल रहा हुआ। कोई फरमाइश नहीं कि मुझे ऐसा कमरा चाहिए, मुझे सुख सुविधा चाहिए। सबके साथ मिलजुल करके रहना एक बहुत बड़ी महानता होती है। और मैं चाहूँगा कि भारत ये ज्ञानपीठ की नई पीढ़ी ही नहीं, पूरे देश की नई पीढ़ी, कैसे मंच संचालन किया जाता है, कैसे मंच में उग्र भीड़ को नियंत्रित किया जाता है, यह कला किसी को सीखनी हो तो गिरधर जी के मंच संचालन की वीडियो को ले और वो देखे कि कैसे संचालित किया जाता है मंच। मेरे सामने की घटना है, ये लगभग 1992 के आसपास की घटना है, जब पन्ना जी में 1200 प्रयाण किए गए थे। उसमें काफ़ी मनमुटाव था, भीड़ में उग्र रोष था, मंच पर भी उत्तेजना फैली हुई थी, लेकिन गिरधर जी के दो वाक्यों ने सबको ठंडा कर दिया। और ये कला किसी किसी को मिलती है। मैंने उनके मंच संचालन की कुशलता को उस दिन परखा जब उन्होंने सबको शांत करा दिया केवल एक या दो अंग्रेजी के वाक्यों से, और पूरी भीड़ शांत होकर मंच संचालन, मंच के कार्यक्रम को देखती रही, अन्यथा उस दिन कुछ भी हो सकता था। इसलिए हम एक महान व्यक्तित्व को खो चुके हैं, लेकिन उनके आदर्शों को हम नहीं खोएंगे, और उनकी आत्मा से कहते रहेंगे कि गिरधर जी, आप पंचभौतिक तन से ओझल हुए हो तो क्या, हम आपके गुणों के प्रति, आपकी आत्मा के प्रति नतमस्तक हैं और नतमस्तक ही रहेंगे। प्रणाम।